And welcome to the series by Address.in called Grit Podcast. Now, Grit Podcast is all about guts, resilience, intensity, and tenacity of entrepreneurs. And today we have Mr. Harvinder Mathur with us. He's a trader and a trainer. Now, I would like Harvinder ji, aap khud ye jo maine bataya ki aap ek trader hain aur ek trainer hain, aap ye khud hame explain kijiye. I want you to give us the description. Of what exactly do you do? Okay, so first of all, thank you, Asta, for inviting me on your platform, and a special thanks to Mr. Ankur also, so who referred me to this platform. So I'm happy to giving my views about the market and other scenario. And as far as my concern. I'm basically a stock trader, so I'm not by choice in this business, I'm by chance. So general life mein sab hota hai ki hum log jab shuruaat karte hain to life ko kisi bhi angle se shuru karte hain, but hume actually nahi pata hota hume kidhar jana hai. So somehow after a lot of ups and downs, and finally today I'm trading with the Indian stock market, and I'm training also people, though freshers, experienced and professional traders, and how one can take this business as business instead of quick get rich scheme. So this is my forte, which I'm currently working on it. And behind the this part, I'm actually looking for the young generation should involve in this. Okay. So this is what. Okay. So like you said that life aapko kab कौन से पाथ पे ले जाती है, यू डोंट नो, यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एंड यू एंड अप डूइंग समथिंग एल्स एंड इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल. वी नो, वी ऑल हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स. सो मुझे ये जानना है दैट हाउ एंड व्हाई डिड यू टेक अप दिस करियर. आई मीन आई वांट टू नो, ब्रीफली वांट टू नो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक, एंड आपने क्यों सोचा कि मुझे ये करना है या मुझे ये पसंद है. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आशा, क्या होता है कि हम लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं सभी लोग, और मिडिल क्लास ही है जो एक्चुअली बड़े सपने देखता है और ये बड़े सपने को पूरा भी करता है. सो बचपन से ही एक शौक रहा है कि कुछ ऐसा करें जिसमें दोस्तों के साथ रहें, ज्यादा पैसा कमाएं, तो सोसाइटी की भी हेल्प करें. ये सुनने में बड़ा नॉर्मल लगेगा, बट एक्चुअली हम सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं. सच्चाई ये है, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं कि जब मैं जॉब करता था तो मेरे ही परिवार के दूर के रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके लिए 500 रुपया भेज देना अगर उनके पास काफी होगा पूरे महीने के लिए, हम उनको भी सपोर्ट नहीं कर पाते थे. बावजूद इसके कि हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें कभी फील ही नहीं आता कि हम उतना कमा रहे हैं कि हम किसी को दे भी सकें. तो मैं ऐसे ही बिजनेस की तलाश में था, तो बहुत सारे बिजनेस किए मैंने. रियल एस्टेट में बिजनेस किया, उसके अलावा मैंने आपका इंश्योरेंस में किया, एंड अगर मैं जॉब की बात करता हूँ तो मैंने होटल इंडस्ट्री में काफी काम किया है. सो सभी जगह जाने का पर्पज एक ही था कि देखते हैं कि पैसा ज्यादा कैसे बनता है. तो एंड ऑफ द डे मुझे यही समझ में आया कि यदि मैं जॉब में हूँ तो जॉब में तो मेरे फादर भी थे, जॉब में मेरे तो अंकल भी हैं, मेरे दोस्त के फादर भी, बट ये लोग अमीर तो नहीं है क्योंकि ये लोग पैसा तो दे नहीं पाते टाइम पर. तो मतलब है कि आई एम रॉन्ग पाथ. तो वो सर्च के अंदर चलता रहा, बिजनेस करता रहा, एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि लोग जनरली बोलते हैं जी मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, तो बिलीव मी मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ. ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एज अ न्यूज़पेपर हॉकर, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को शुरू किया था तो मैं अखबार बांटता था जब मैं छोटा था काफी. आई वॉज इन 10th एक्चुअली. तो शुरू से ही पैसा कमाने का बोलते हैं लत पड़ी हुई है, तो वो अच्छी बात है. तो वहां से जर्नी को शुरू किया, फिर मुझे चांस मिला तो मैं एक फास्ट फूड चेन के अंदर जाकर एज ए क्रू मेंबर लगा. देन आई रन 1 5-star होटल ऑल्सो. सो वहां पे हाउसकीपिंग से शुरू किया और वहां से चलते हुए FMB तक हम लोग पहुंचे. ओके, सो हाउसकीपिंग मतलब अभी अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअली हम लोग इसको अदरवाइज देखेंगे इसे झाड़ू पोछे का जॉब बोलते हैं उसको, यही हमें याद रखना है. तो मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जनरली क्या होता है, शर्माते बहुत है अपने काम को लेकर, बट मेरा आपको हर काम पे प्राउड होना चाहिए क्योंकि आप उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट. एंड इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे अच्छी बात ये रही कि पैसा कमाने की अलग थी, लोगों के साथ बात करने का हमेशा मौका ढूंढते थे कि अच्छे लोगों से बात मिले. तो करते करते
मुझे करीब 2016 में मेरे को लगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, बिकॉज मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये भी एक इंडस्ट्री है। तो मुझे वहां एक चीज समझ आई कि इंश्योरेंस वाले आपको कुछ देते तो है नहीं, खाली पेपर देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो मैंने ये बिजनेस बढ़िया है, बट प्रॉब्लम था कि वो हम उतना बड़ा बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं। देन मैंने फिर इसका स्टॉक मार्केट को देखना चालू किया। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसको सिखाने के लिए लोग कहाँ मिलेंगे। तो मतलब ये बहुत मतलब दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में पैसा कमाने का तरीका कोई भी नहीं बताता है। यदि आप प्ले स्कूल से लेके आप ग्रेजुएट कर लें, पीएचडी भी कर लें और एमबीए भी कर लें, आपको ये तो बताएंगे जॉब कैसे लगेगी, बट वो पैसा कैसे बनेगा नोबडी विल टेल यू। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू एक्चुअली. तो फाइनली 2016 में मैंने इसके ऊपर खोज चालू की, और वो मेरी जो खोज है करीब 2019 में आके कंप्लीट हुई। तो मुझे एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने शेयर मार्केट में मुझे सिखाया बेसिक्स, और बेसिक के बाद फिर मैंने इसको प्रोफेशनली डील करना शुरू किया। सो आई हैव कंप्लीटेड माय 3 इयर्स कोर्स इन स्टॉक मार्केट, और उसको फिर मैंने प्रोफेशनली डील करना शुरू किया। एंड 2020 से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ या जो भी मैं शेयर करता हूँ, मैं वो शेयर करता हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे एक्चुअली पैसा बन पा रहा है। क्योंकि इस मार्केट का सबसे बड़ा फोबिया क्या है कि इस मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये ड्राइव है बिल्कुल, ऑलरेडी, आपने तो सुना ही होगा फैमिली के अंदर। बिल्कुल. लेकिन अगर आप अपना मोबाइल फोन उठाएंगे, उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उसमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने कभी भी शेयर मार्केट में पैसा डुबाया होगा। बिल्कुल, रीजन है क्योंकि उन्होंने कभी लगाया ही नहीं है। दैट्स ट्रू. So, आप इसको ऐसे समझिए, अभी हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आप किसी लैपटॉप पे या किसी सिस्टम पे होंगे, वो किसी कंपनी का है। लेट्स से आपने आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आईफोन के आप कस्टमर हैं, आपकी वजह से उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है और आपके जैसे करोड़ों कस्टमर अभी आने वाले हैं। तो ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही कि कंपनी का जब टर्नओवर बढ़ेगा तो मैं अगर उसका आज शेयर खरीद लूंगा तो आई कैन बी ए पार्टनर पर्टिकुलर टर्नओवर। तो हमारा विश्वास क्या है, हम लोगों को खरीदने में विश्वास है वो आइटम जो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। हम वो आइटम कभी नहीं खरीदना पसंद करते हैं जो लॉन्ग टर्म होती है। आप जस्ट चेक करके देखिएगा, आपको 90% जो बाइंग होगा वो आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तो मुझे ये समझ में आया कि इस मार्केट में हमको ऐसा कुछ बाय करना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो लॉन्ग लास्टिंग क्या है, इस इंडिया की जीडीपी के अंदर कितनी कंपनीज जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, उनके ऊपर मैंने फोकस करना शुरू किया। और फाइनली यही पाया कि चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, या कुछ भी हो, सो दे ऑल आर नो लॉन्ग लास्टिंग पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि आज आप ये सोचते हैं कि आने वाले समय में आप टूथपेस्ट यूज करना बंद कर देंगे, तो ये ख्याल गलत है। बिल्कुल. दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है जिसको लोग अलग एंगल से देखते हैं, मैं बड़े डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, जिस देश में वो देश आने वाले समय में आज नहीं तो कल रूल करेगा, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन हमको क्या डाला हुआ है दिमाग में, पॉपुलेशन से गरीबी आती है, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि जिन लोगों के घरों में 10 10 भाई बहन होते हैं ना, तो सब लोग अच्छा कमा रहे होते हैं। तो वैसे ही है, हमको भी इस पे ध्यान देना है कि पॉपुलेशन मीन्स एज ए एसेट। हाँ, आप उसको ह्यूमन एजुकेट कर रिसोर्स. पा एजुकेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दैट्स योर बिल्कुल. वे ऑफ डूइंग। सो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट यही है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है, इसके अंदर मैं जब एंटर किया तो मैं भी एक बिल्कुल नोविस की तरह था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। मैंने इसको सीखा तो मैंने एक ही चीज सीखी, मार्केट में मैं कपड़ा खरीदूं, सब्जी खरीदूं, मोबाइल खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, सबके पीछे एक प्राइस है, उसके पीछे एक प्रॉफिट है और उसके पीछे एक होलसेलर है। तो मैं होलसेलिंग का प्राइस कहाँ से पकड़ूंगा वो मुझे पता होना चाहिए, सस्ते में माल कहाँ मिलेगा। तो मैंने स्टॉक मार्केट में वो सीखा कि एक शेयर जो 2,000 रुपए का है, मुझे 1,800 रुपए में कैसे खरीदना है। ओके, दैट इज दी यू नो की पॉइंट। क्योंकि यदि आप किसी को आज ये बोलेंगे कि क्या रिलायंस का शेयर आप 2,400 वाला 2,000 में खरीद सकते हैं, तो लोग बोलेंगे बिल्कुल फेली बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप खरीद सकते हैं। एवरीबडी नीड्स मनी एवरी डे, एवरी वन, इरिस्पेक्टिव वो कंपनी हो या कोई आदमी हो। तो इसीलिए आपको जब इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर रहेंगे तो लोगों को अगर ये मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट है लॉस है, वो एक प्राइस एक मूवमेंट के साथ होता है, एक साइकोलॉजी के साथ होता है, और वो साइकोलॉजी आपको कुछ नहीं करना है, अपने बच्चों को बता देनी है। जैसा आप बचपन में सिखाते कि बेटा जा दुकान से जाके सामान लेकर आना है और पैसे गिन के लेकर आना, तो एग्जैक्टली
क्योंकि जैसे अब मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं जैसे मैंने हमारी एजुकेशन का कोट है वो, हम बोलते हैं कि मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग चपाती इन द किचन, बट वन शुड नो द प्रोसेस. या ट्रू ट्रू सो दैट आई एग्री. दैट इज अल्टीमेटली आप ऐसे समझिएगा कि मेरा इस मार्केट में होना बिल्कुल चांस है, क्योंकि मेरे पूरे करियर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कोई बिजनेस करने वाला हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि पैसा बनता ही इसी मार्केट में है, तो लेकिन एजुकेशन के साथ गया, उसको सीखा समझा, तो धीरे धीरे करके चीजों को ग्रास किया, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन अवार्डेड थ्राइस फॉर द बेस्ट स्टॉक ट्रेडर, Oh wow, और that's great. I've been awarded in the month of April 2023, for the educator also in the stock trading. From that, I've been invited by TED Talk, okay, in the month of April only. So I'm a TEDx speaker also, yes, on this particular, this subject. Okay. So this is all, and over to you now. You can ask your questions. That's a very inspiring journey. I was sure before this podcast, जितना भी मुझे आपके बारे में पता था, जितना मैंने आपसे बात करके जाना, आई वॉज वेरी श्योर दैट दिस होल वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एनी वन, वेरी इंस्पायरिंग फॉर एनी वन हु विल बी वॉचिंग इट. सो इवन आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टूडे. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टॉक मार्केट और चपाती का जो आपने एक एक मेटाफर जो दिया, वो काफी काफी इंटरेस्टिंग था. एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू डू इट, आई मीन दैट्स द की हियर. If you really want to make profit, the profit comes because of the process, not because of the shortcuts. Okay. Simple way, because हम लोग क्या देखते हैं कि आप किसी भी आदमी को, जो हमारी घर में मम्मी पापा मम्मी होती हैं, सिस्टर होती हैं या वाइफ होती हैं, वो क्या करते हैं, छोटे में ही आपको क्या बोलते हैं, बेटा किचन में आके देखा करो कैसे खाना बनता है. तो हमको क्या, वो सिर्फ पता करना होता है, एंड ऑफ द डे वो चपाती आज गोल नहीं बनेगी तो कल बन जाएगी. तो एग्जैक्टली हमारी फैमिलीज में, ठीक है, आप भी हैं मैं भी हूँ, हमारी फैमिली में जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट आता है, नहीं बेटा उतना ही कमाना है जिसमें हमारे घर चल जाए और हम सुखी रहे. चलिए स्टेटमेंट, मेरा मेरा क्वेश्चन है, व्हाई नॉट लॉट्स ऑफ मनी वेयर आई कैन अफोर्ड 3 फैमिलीज मोर, आई कैन गिव इट विदाउट थॉट कि भैया ये पकड़ 10,000 रुपया, तू जा अपना लाइफ को ठीक कर. क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना हुआ है कि ज्यादा पैसे होने से लोग बिगड़ जाते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ, जेल में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, गरीब लोग या अमीर लोग? गरीब लोग, दैट्स ट्रू. बिकॉज जिसके पास पैसा है दे नो हाउ टू ड्राइव इट, और क्राइम कौन करेगा जिसके पास पैसा नहीं है. तो आप इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपको बचपन से बच्चों के साथ ना ज्यादा से ज्यादा टाइम पर आपको पैसे की बात करनी है, कैसे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है, कौन लोगों से आपको मिलना है, के ट्रेड में आपको जाना है, किस तरह के बिजनेसेस देखने हैं. क्योंकि हम कभी बात ही नहीं करते हैं. अगर पैसे की बात हुई तो बेटा ज्यादा ध्यान नहीं देना है, दस और ज्यादा तो आप जाके मंदिर में बैठो और भगवान से मांगो जी पैसा मिल जाए. तो भगवान ने भी तो ये उन्हें कर्म प्रधान बनवाओ, तो अगर आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन काम कौन सा. बिकॉज मेरा एक छोटा सा एक पार्ट है, हम लोग बोलते हैं कि किस्मत से पैसा मिलता है, ये जनरल आपने भी सुना होगा. सो मैं भी करता हूँ कि किस्मत से ही पैसा मिलता है. तो किस्मत का जो इंग्लिश वर्जन है वो क्या है, लक. लक इज बेसिकली LUC के. सो उसका अगर फॉर्मेशन आप करेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे, इट्स लाइक लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, देन यू विल मेक मनी. इंटरेस्टिंग. यू हैव टू डू इट विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट पीपल, इन द एट द राइट प्लेस. सो दिस इज वॉट आई से कि एवरीबडी इज लकी प्रोवाइडेड दे शुड नो डिफाइन देयर आई वुड गोल बोल सकते हैं या टारगेट बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं पर्पस होना चाहिए. तो आप पैसा बनेगा, पैसा मेरा ये मानना है कि पैसा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज वॉट आई हैव लर्न. तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. आई मीन वो जो आपने बताया कि बोला जाता है कि नहीं, ज्यादा पैसा कमाने से ऐसा बताया जाता है बचपन से कि वहां पे सुख नहीं होता. इट्स अ लिमिटिंग माइंडसेट आई थिंक, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू टू चेंज द माइंडसेट. एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट. व्हाट दैट्स व्हाट आई हैव लर्न सो फार, कि आपका माइंडसेट करेक्ट होगा अगर आप लिमिट नहीं करोगे माइंडसेट को, तो आई थिंक
यू कैन गो एज फार एज यू वॉन्ट. सो जी, जिससे पैसा मांगते हैं, जिस भगवान से मांगते हैं, वो कौन है? लक्ष्मी जी है, वो भी पैसे से धनी है, तभी तो जा रहे हैं ना, नहीं तो नहीं जाएंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल. आप किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाते होंगे अपने पूरे जीवन में, जिस जो व्यक्ति गरीब होगा आप उससे बसते मांगना ले। हम किसके पास जाते हैं जो हमसे या तो बेटर होता है या इक्वलेंट होता है। या ट्रू ट्रू. दी कंपनी वेयर पीपल टॉक मनी, पीपल यू नो लिव, दे यू नो ट्राई टू मेक मनी, सो जस्ट बी देयर। सो या लाइक वी टॉक्ड अबाउट यू नो माइंडसेट हियर, राइट? आई मीन किस तरह से जो भी हमने डिस्कस किया. नाउ टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, आई नो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस कंपनी कॉल्ड एड्रेस डॉट इन, विच इज अगेन चेंजिंग द माइंडसेट्स ऑफ पीपल. पीपल यूज टू थिंक के यू नो ऑफिस स्पेस, किसी भी बिजनेस के लिए एक ऑफिस स्पेस होना जरूरी है, बट एड्रेस इज जस्ट चेंजिंग यू नो ब्रिंगिंग अ बिग शिफ्ट इन द माइंडसेट्स ऑफ पीपल एंड यू नो इमर्जिंग बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन हु आर ऑलरेडी you know entrepreneurs who have already been in the market, so you have been associated with them. I would like to know how your association has been with them. First of all, I appreciate Mr. Ankur Goyal के उन्होंने एक ऐसा concept बनाया है जो बहुत ही beautiful है, and especially people those you know they are starting their business. क्योंकि जब मैंने खुद शुरू किया था तो my struggle was कि कुछ भी हम करेंगे हमको नॉर्मल टेंडेंसी है कि आपको एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए, उसमें लोग होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एड्रेस का वैल्यू वो किस किस लोकेशन पे है। तो पहले तो जो आपकी कंपनी का नाम है द एड्रेस, वो एक्चुअली द एड्रेस ही है, मतलब उसका कोई तोड़ी नहीं है। और इट्स काइंड ऑफ यू नो द पोजिशन ऑफ द सन इन द गैलेक्सी, बिकॉज गैलेक्सी के अंदर भी हर एक का अपना एक एड्रेस है। बृहस्पति का एक सुनो सर्कल है, शनि का एक, सूर्य का एक है, तो आप भी इस को वर्किंग के एरिया में आप एक एज अ सन हो, ठीक है? तो पीपल नो अदर नो थिंग्स आर सराउंड्स, सो दैट इज एड्रेस। एंड योर कंपनी इज हेल्प मी यू नो वेरी मच इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी एंड कीपिंग आई वुड से द एचआर ड्यू डिलिजेंस आल्सो, तो कि हमको अच्छे लोग चाहिए तो वो भी आप लोग हमारी हेल्प करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि हमको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती है कि कोई एम्प्लॉय आएगा, ऑफिस खुलेगा नहीं खुलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल गया नहीं गया। एंड मोर ओवर यू गाइस डोंट नो कंडक्टिंग यू नो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस व्हिच हेल्प्स यू नो न्यू जनरेशन न्यू स्टार्टअप्स वेरी बिग बैनर। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के पास जगह है, ऑफिस है, बट प्रॉब्लम है दे डोंट हैव अ पीपल टू डिस्कस द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव। उनको कंपनीज नहीं मिल रही है कि जहां पर जाकर वो अपने आइडियाज के साथ वर्क कर सकें। सो आई नो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना थैंक्स कि आप लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट आपने डिजाइन किया है जहां पर मैं बोलूंगा कि नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कॉस्ट पे करते हैं कुछ है ही नहीं वो। और जिस तरह के आप लोगों के आप जो सर्विसेज देते हैं, जितना आप ध्यान रखते हैं, एंड आपके जो बैकएंड सर्विसेज एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट इट। तो आई विश कि आप लोग ऐसे ही ग्रो करते रहें और ऐसे ही लोगों के अंदर खुशियां बांटते रहें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू वी आर हैप्पी टू यू नो हियर दिस प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। ओके नाउ जैसे कि आपने बताया कि यू नो स्टॉक मार्केट के बारे में, वी ऑल नो दैट ऑफ कोर्स एवरी बिजनेस उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपने कुछ रिस्क होते हैं जो कि हर एंटरप्रेन्योर को पता होता है और वो एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेता है। और उन्हें ये भी पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके प्रोज भी है कॉन्स भी है, कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ शायद ड्रॉबैक्स भी होंगे। सो आई वॉन्ट कि आप हमें बताएं कि क्या आप जो करते हैं वेदर इट्स ट्रेडिंग और वेदर इट्स ट्रेनिंग, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं? मैं प्रोज एंड कॉन्स इसलिए पूछना चाहती हूँ आपसे बिकॉज यू नो पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर सच करियर्स दे कैन वे कि मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ या मैं क्या रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ अगर मैं ये करियर ऑप्शन चूज करता हूँ या करती हूँ। सो इफ यू कैन टेल अस के क्या चीजों के लिए यू नो इफ समवन इज एंटरिंग दिस करियर किन चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना, क्या रिवॉर्डिंग चीजें हमें मिल सकती है इस करियर में।
सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने एक नो द बुल नो हिट द बुल्स आई क्वेश्चन पूछा है जो जनरेटिव पूछते हैं एंड वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू. सो पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस मार्केट में अगर हम रिस्क की बात करेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क की बात करेंगे, तो दिस मार्केट इज नो प्योरली रन ऑन द डेटा बेस, राइट? और जहां डेटा होता है वहां गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द यू नो किंग ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो पूरी गैलेक्सी है, वो नो ज्योमेट्री पे चलता है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे चलता है. तो द गॉड इज अ यू नो ग्रेट मैथमेटिशियन, ध्यान रखना है. तो आप ऐसे समझिएगा, इस बिजनेस के अंदर यदि कोई बिल्कुल फ्रेशर, सपोज आस्था इज प्लानिंग टू एंटर दिस यू नो बिजनेस एज अ पार्ट टाइमर, अभी जॉब पार्ट टाइमर आप इसमें शुरू करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. आपको यदि अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो आपको डेली सुबह 2 घंटा जिम में जाना है, दैट्स ऑल, राइट है? तो हम भी ये बोलते हैं जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, स्पेंड ओनली 2 आवर्स एवरी डे. दिस इज द टाइम इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज नॉट. ओके, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस और योर करियर इन दिस इंडस्ट्री विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ very less amount of, let's say 10,000, 5,000 also. Mm-hmm. And if you talk about the risk, so लोग कुछ भी बोलते हो, but मैं बिल्कुल एक public platform पे बात बोल रहा हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने capital का 0.5 से ज्यादा loss नहीं कर सकते. Okay. This is the risk. Okay. इंडस्ट्री में ऐसा बोलता है, ये मैं पहली बार सुन रही, मतलब ऐसा ये फिगर जो है, मतलब ये यू नो आई डिडंट एक्सपेक्ट. मैंने डेटा की बात कर रहा हूँ. सो दिस इंडस्ट्री डेटा ड्रिवन, साइंटिफिक, लॉजिकल एंड बिल्ट बाय प्रोफेशनल्स, नॉट लाइक आम पीपल. ओके, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए लेकर भी आएंगे इस इंडस्ट्री में, तो जो लोग बोलते हैं पैसा डुबा दिया, तो जुआरी टाइप लोग डुबाते हैं यहाँ पर. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डील करेंगे, तो आप अपने पूरे कैपिटल का को जो बिजनेस करेंगे, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आप मैक्सिमम जो इसके अंदर लूज कर पाएंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कर पाएंगे, अगर आप हमारे साथ करेंगे, वो 0.5, और बहुत कोशिश करेंगे तो 1%, दैट्स ऑल. ओके, यदि आप कहते हैं कि अगर आप 500 रुपए का रिस्क उठा सकते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. How we train people, because okay. this business purely is a psychology business before the money or before the trading. Okay. So this is what I say. That's interesting है ये काफी, मतलब stock market जो हम थोड़ा बहुत you know we are professionals but हम investing के purpose से जो थोड़ा बहुत knowledge होता है उससे करते हैं, but these are some things. जो रिस्क की आपने बात की, द परसेंटेज एंड द फिगर दैट यू गेव अस, यू नो वी थॉट अबाउट दीज थिंग्स. हमें बस इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे कि आपने कहा कि एक माइंडसेट की जो हम बात कर रहे थे, हमेशा यही डर रहता है, इसलिए आधे लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है. मुझे लगता है कि यही डर रहता है कि पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा. सो ये डर से करते हैं, आई थिंक. आपने टीवी के ऊपर एड आता है कभी देखा हो, वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है. अगर म्यूचुअल फंड सही है तो शेयर मार्केट क्यों खराब है? सही बात है. no. आप वो पैसे उठाते हैं पब्लिक से और उठाकर शेयर मार्केट में लगाते हैं, वहां से खुद पैसा बनाते हैं और उसमें से कुछ परसेंटेज आप हमको दे देते हैं, तो क्या ये सही है? या ये सही है मैं आप एजुकेट करूं और आप खुद उस पैसे से पैसा बनाए और एक बेहतर रिटर्न कमाए? क्योंकि मैं रिस्क भी उठा रहा हूँ, मैं रिस्क क्या कहाँ नहीं उठाता हूँ, मैं रिस्क उठा रहा हूँ. मैंने एफडी किया हुआ है, तो एफडी के अंदर बैंक में साफ लिखा है कि इस आपने 10 लाख डाला है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक है. कल को अगर बैंक करप्ट हो जाएगा या कोलैप्स हो जाता है तो आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उतना ही. और यदि हम बात करते हैं कि रिस्क है, तो आप ये सोचिएगा कि आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है जिसमें पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा भी तो मार्केट में जा रहा है, उसमें भी तो लिखा है कि रिटर्न्स लिंक्स टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आप तो रिस्क उठा ही रहे हो, तो जब उठाना ही
नहीं है तो व्हाई नॉट विद द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लेट्स हैव अ यू नो ग्लाइड राइडिंग, सो दैट वुड बी बेटर. क्या ट्रू, दैट्स ट्रू, होता है मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल. जहां पर हम आपको बोल ही रहे हैं कि आपको रिस्क अगर मतलब ये आप कंट्रोल करते हैं, आप 1% का रिस्क उठाओ, 5 का उठाओ या 10% का उठाओ, आपका एपेटाइट उस पर डिसाइड कीजिएगा. सो इस मार्केट के अंदर आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं, रिस्क आप कंट्रोल करते हैं, प्राइस आप करते हैं, प्रॉफिट आप कंट्रोल करते हैं, तो इससे भी ज्यादा बढ़िया बिजनेस मुझे लगता नहीं कि आप कभी डिजाइन कर पाएंगे. ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट एक्चुअली. ओके सो लास्टली मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पे. लाइक आई वांट यू टू गिव अ मैसेज जो एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वेदर दे वांट टू एंटर द करियर दैट यू आर इन, या फिर कोई भी यू नो जस्ट अगर कोई कोशिश कर रहा है या कोई प्लान कर रहा है टू बी अ बिजनेसमैन और बी एन एंटरप्रेन्योर, तो व्हाट इज द मैसेज व्हिच यू थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरिंग लोगों को देना, जो शायद वो गाइडेंस या वो मैसेज शायद आपको नहीं मिल पाया, शायद आपको भी मिला था जिससे आप इंस्पायर हुए. एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? माय मैसेज तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए कोच और ट्रेनर और मोटिवेटर, आई सिंपली माई सेल्फ एज ए नेविगेटर. सो आई कैन गिव यू, आई कैन नॉट अश्योर यू वेयर यू विल गो, सो जस्ट आई कैन गिव यू द राइट डायरेक्शन. सो मेरा एक व्यू है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बोलता हूँ कि क्या आप ऐसा तो नहीं किसी उधार के गोल पे काम कर रहे हैं. उधार से गोल का मेरा मतलब है कि मैंने आस्था को देखा कि आस्था हैज बिल्ड अप अ वेरी ग्रेट बिजनेस एंड आई जस्ट बॉट दैट आइडिया इन माय माइंड और मैंने ये सोचा मैं आस्था से बढ़िया करूंगा. सो फ्रॉम दैट पॉइंट आई हैव लिमिटेड माय सेल्फ कि मैं आस्था से, तो मेरा लिमिटेशन क्या है, आस्था इज माय लिमिट. तो पहले इससे बाहर आना पड़ेगा. तो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, पहले उनको ये देखना है कि क्या वो एग्जैक्टली उस इंडस्ट्री में जो वो चाहते हैं उसको एंजॉय करने वाले हैं, क्या वो इस तैयार हैं कि कल को यदि ये स्टार्टअप नहीं चलेगा तो मैं बिल्कुल वैसे ही दोबारा खड़ा हो जाऊंगा जैसे मैं बचपन में साइकिल से गिरने के बाद खड़ा होता था. तो अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो फिर आपको उस बिजनेस में नहीं जाना चाहिए. देन यू शुड थिंक अबाउट इट, तो पॉइंट नंबर वन कि आप कुछ भी कर रहे हो, मेरा ये पूरे बोलूंगा कि भारत के सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज के लिए, यदि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या लाइक जो भी प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप नए नए भारतवर्ष में कॉन्ट्रीब्यूशन करें, अपने घर के अंदर ना एक ट्रेडर भी पैदा करें और कोशिश करें कि उस बच्चे को ट्रेडिंग सिखाएं, क्योंकि ट्रेडिंग एक वो बिजनेस है जिसके अंदर भारतवर्ष के लीस्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लीस्ट. मैं आपको अगर वेरीफाइड नहीं है लेकिन हाँ जितना स्टडीज है वो बता रहा हूँ. इंडिया बिफोर इंडिया आई जस्ट शेयर दी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका टेंटेटिवली 55% लोग स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. तो उस कंट्री आप पोजिशन देख सकते हैं. जापान था अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास है, अर्लियर इट वॉज 7.4, अभी शायद बढ़ गया है. तो आप उस कंट्री की भी सिचुएशन देख सकते हैं वो कैसी है. चाइना का रफली 5.4, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन. और इंडिया का अगर मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड, इंडिया इज लाइक रफली 1.5%, एंड आउट ऑफ विच 97% पीपल डज नॉट नो हाउ टू ट्रेड. सो वी आर इनटू द मार्केट और द बिजनेस व्हिच इज प्योरली वर्जिन मार्केट, अभी वहां कुछ नहीं है. एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर एंड गेट इन टू दिस बिजनेस, क्योंकि अगर मैं गूगल में काम करूंगा तो उसका एक टर्न ओवर है साल का, एमेजोन में काम करूंगा तो उसका एक टर्न ओवर है, रिलायंस में काम करूंगा उसका 2 लाख करोड़ का टर्न ओवर है. हम बात कर रहे हैं 3.474 ट्रिलियन USD की, दैट इज अवर GDP. तो मैं इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ के बाकी सब जगह काम करना चाहता हूँ. तो अगर मैं उसमें एंटर कर जाता हूँ और मैं अपने जीवन के, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, डेडिकेटली 2 या 3 साल लगा देता हूँ, मैं आपको ये पर्सनली अश्योरेंस कर सकता हूँ, यू आफ्टर 3 या 4 या 5 डाउन द लाइन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन बाय माइंड, बाय मनी, बाय मार्केट वैल्यू एंड बाय योर यू नो द माइंडसेट.
So altogether different. That's So this is only the, you know, my message to all young generation, or I would say the everyone. That's a motivating message actually. काफी जो आपने बताया, it is actually motivating me also to, you know, just get into it, just dive into it. It's high time now. Also, I would like to ask that if someone wants to, you know, learn these things from you, since you trainer भी नहीं, जैसे आपने बोला navigator. So if someone wants, you know, to have the direction from you, how can we, you know, go about it? How can we have the access to things? Okay, so first of all, मैं जो करता हूँ, I'm purely, you know, doing this training part on a recommendation basis. तो कितने लोग मुझसे सीखते हैं, समझते हैं, वही लोग recommend करते हैं. So you will find it very, you know, less on, you know, social media. Okay. और तो हम क्या करते हैं, suppose आपसे बात हो रही है, तो my you may recommend, you know, Ankur, or, you know, may recommend, or he, you know, recommending a lot of people. Yeah. Okay. The personal experiences ke upar hai. So otherwise, I do have a, like, you know, the, my website also. So, okay. So can approach there. Mm-hmm. Okay. Apart from that, because the address is the, you know, one single point to contact me at any time. Okay. So they have my number. Okay. That's great. This is what happened. Yeah, of course. So no, we'll love to, you know, give the link to your website in the description when we'll post the video, because that will be a great way to, you know, navigate people towards, you know, you, so that if someone is interested, they can, you know, just you can just show path to them. Yes, sir. No, thank you. Thank you so much, Harvinder ji. It was indeed, like, I'm again and again saying this, it was very inspiring. It was very knowledgeable, very informative. And it was very motivating also for people who might be scared of getting into these things in stocks and everything. But I think after talking to you, after watching this podcast, I'm sure they would want to get into stock market. They would want to take that risk. Of course, they'd love to do that. So you welcome, your friends are welcome, and you can have, you know, the demo also to get the feel at any. Sure, so, sure. It was great talking to you also, and you are also very, you know, your aura is very positive, and you know, very, you know, nicely you have asked, you know, the questions. So thank you so much. Once again, and thank you, the address also, who conducting this interview. So thank you so much. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, and take care. Thank you.